कहेंगे हत्या हुई थी, पूरा खुलासा क्या हुआ, किस तरीके से किया गया। दिनांक 11 सितंबर 2024 को वीरगंज थाने के अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के माध्यम से इरशाद एक संदिग्ध का नाम प्रकाश में आया था, जिसे आज प्रातः 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीके से जवाबी फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार करके अब भेजा जा रहा है और उससे पहले उसका उपचार के लिए भी भेजा गया है। आगे की विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित है। पूछताछ के दौरान कुछ तथ्य सामने आए जो मैं बताना चाहूंगा आपको। इरशाद मृतक को काफी वर्षों से जानता था। उसके अनुसार कुछ वर्ष पहले मृतक ने इसके साथ सामलैंगिक संबंध बनाए थे, जिनको लेकर इसको काफी आत्मग्लानी थी और उसके प्रति घृणा और क्रोध था, जिसको लेके इसने ये ठान लिया था कि ये मौका मिलने पर उसे मारेगा। और दोस्ती के कारण इसने धोखे से जो मृतक है उसको शराब पीने के बहाने बुलाया एक निर्जन स्थान पर, और उस स्थान पर बुलाने के पश्चात इसने उसका गला रेतकर हत्या कर दी। इसके अंदर अभी